ठीक है यार, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझ गया। कौन बादों का बस गली में ना बार बन जाए कुछ अगर हो सके तो। मैं भी सोचा था गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा। ऐसे नदी में नहाएंगे हम लोग ना। आर यू रेडी? अरे भाई बल्लू, अरे धीरू भाई, सोनू भाई, अरे सारे लोग होते कितना मजा आता है यार। अगर घूमने के लिए आते हो तो कृपया ना आए। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आप मेरे दोस्त। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तैयार करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह लामबगड़ गाँव के गेट से, जो कि अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी। तो मैं अभी मार्केट गया था और मार्केट से फिर अब घर जा रहा हूँ। दे रहे हैं पर पिछली बार एक पेड़ टूटा था, देख सकते हो आप लोग। तो यार पेड़ टूटा था जो, और उसकी यहाँ पर कटाई फटाई चल रही है पेड़ का, और इस पर ये लोग दार या तख्ते जो भी निकालेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं निकालने की, देख सकते हो आप लोग। तो यार देख सकते हो आप लोग धूप कितनी तेज़ है, और मौसम बिल्कुल एकदम साफ है देख सकते हो आप लोग, और पूरा हरियाली छा रखा है आजकल। मौसम तो मस्त हो रखा है, पर क्या करें, गर्मी बहुत तेज़ है। यहाँ से तो खाली भी नहीं आया जा रहा। आज तो मेरे पास सामान भी नहीं है उतना, थोड़ा बहुत है 5-6 kg होगा। चलो फिर यार, थोड़ा मैं आप लोगों को अपने इधर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाइस, चौमास का नज़ारा देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरह का नज़ारा है आजकल। पूरा बिल्कुल एकदम हरियाली छा रखी है, और नदी देख सकते हो, नदी देख दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो पूरा एकदम ब्राउन हो रखा है, ब्राउन पानी। यार अपने घर के बगल में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किसी ने एसी लगा रखी होगी या पंखा लगा रखा होगा। यहाँ पूरा एकदम घास का पेड़ है, और बिल्कुल एकदम क्या ही बोलो। तो चलो फिर घर में चलते हैं यार। अब तो यार घर ही पहुँच चुका हूँ, और अब करूँगा नाश्ता। चलो फिर नाश्ता करने चलते हैं। तो यार आप करते हैं नाश्ता, और आज नाश्ते में है पराठे, और पराठा खाऊंगा मैं चटनी के साथ, और प्लस में छाँस जिसको बोलते हैं लस्सी। तो अब नाश्ता किया जाए फिर। अब तो यार नाश्ता भी हो गया, और अब क्या करूंगा मैं, इसीलिए तो मैं डेली व्लॉग नहीं बनाता। मैं डेली व्लॉग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सुबह सामान लेने जाता हूँ, फिर उसके बाद अगर कभी कोई इधर उधर का काम हो गया तो ठीक है, और नहीं तो बाकी सुबह सामान लेना होता है, उसके बाद दुकान में बैठना होता है, और बाकी उसके बाद दुकान में खाली नहीं बैठ रहता हूँ। मेरा एक चैनल तुम्हें पता ही होगा, मडवाल मोटिवेशन है, और एक दिनेश मडवाल है, और तो उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ दिन भर। मतलब खाली बैठे नहीं रहता हूँ, दुकान में भी रहता हूँ, और उसके बाद मडवाल मोटिवेशन और दिनेश मडवाल एक चैनल और है, उस पर मैं दिन भर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बस ऐसे ही कटता मेरा दिन। तो चलो आज ब्लॉग स्टार्ट किया है, धूप भी लगी है, क्या पता अगर नदी जाने का मूड बन गया तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे, आपको आप लोगों को बताते रहूँगा। तो गाइस यहाँ पर टकली भी उठ गई है, टकली अभी सोई थी। क्या नाम तेरा? टकली है? हैं, नाम टकली है? टकले, अरे टकले। तो यार हिताक्षी मडवाला भी उठ चुकी है, और हमारे पास आ गई है। चलो 1-2 बोले यार, थोड़ा 1-2-3-4-5। तो हिताक्षी मडवाला भी धीरे धीरे 1-2 सीखेगी। हैं, 1-2 बोलो फिर, 1-2-3। तो यार अब चलते हैं नदी नहाने के लिए, देख सकते हो धूप कितनी तेज है, धूप है ही नहीं। तो चलते हैं नदी, और आनंद सिंह पीछे से आ रहा अभी, तो नदी में मिलते हैं आप लोगों से। गाइस फाइनली नदी के करीब पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं ऐसे नदी में नहाएंगे हम लोग ना। तो गाइस इस वाले नदी में नहाएंगे जो कि साफ पानी है, और ये पानी जो है बिल्कुल एकदम ब्राउन हो रखा है, तो इस साफ पानी में नहाएंगे। तो चलो फिर चला जाए। तो यार कपड़े कपड़े उतार दिए, अब नदी हमारा इंतज़ार कर रहा है जाने के लिए वहाँ। तो आनंद सिंह तैयार हो आप? आर यू रेडी? तो फिर नहाने के लिए चलते हैं अब। मारे सुनी मोनी थी उड़ गए, मार दो मारना।
दोनों बंदे चले गए नदी में और मैं भी चलता हूँ नहाने के लिए। आप आज देख सकते हो आप लोग आनंद सिंह कितना एंजॉय ले रहे हैं। देखो ये मारे तू मार, अरे हद है यार। यार मेरा कुछ अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए मैं घर जा रहा हूँ अकेले। और बाकी आनंद सिंह तो उधर ही अब तक नहा रहे हो, कह रहे हम आराम से आएंगे। तो यार मैं चलता हूँ घर की तरफ और अब धूप भी लग रही है, फिर पसीना हो जाएगा यार। मतलब हमारा नदी में नहाने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इंजॉय होना चाहिए बस, क्योंकि नदी में नहाने में जो मज़ा आता है ना वो ऐसे जग से पानी डालने में नहीं आता है। तो बहुत आनंद लिया नदी में, हम आनंद लेने के लिए आते हैं आनंद सिंह के साथ आनंद लेने। अरे भाई बल्लू, अभी तू भी होता और सूरज भी होता और हमारे धीरू भाई, सोनू भाई, अरे सारे लोग होते, कितना मज़ा आता है यार। चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो वो याद है ना उधर, तो यार धूप इतनी तेज़ हो रही है क्या ही बोलूँ यार। सुबह भी धूप बहुत तेज़ हो रही थी और अभी भी, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बोलूँ, वो उसी को पता होगा जो धूप में चलता रहता है। हालत ख़राब। नहाने में तो मज़ा आया पर अब चलने में दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, घर पहुंच चुका हूं और अब थोड़ा रेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। अरे भाई दिनेश, बहुत मजे ले रहा तू आजकल नदी में, क्या बात। हाँ जी राम राम, क्या करे यार, एंजॉय लेना पड़ता है। ठीक है भाई ठीक है, मजे तो तेरे हैं, चल मेरे साथ चलेगा कहीं। बस बड़वाल जी, मजे कहाँ, ऊपर वाले की कृपा है। कहाँ चलना है? जाना था यार कंटियाक तक, जाना था किसी से मिलने, जाना था। चलना है क्या तो बता। मड़वाल जी दिमाग खराब है क्या, तुम्हें पता नहीं है आजकल चौमास का टाइम है, बारिश का टाइम है, कहीं से ऊपर से पत्थर गिर गया तो हम भी गए फिर, और तुम्हें पता नहीं है खंडव्या कैसे जाओगे। मिलना है किसी से तो वीडियो कॉलिंग कर लो ना, मिलना ज़रूरी है ये बताओ पहले। और तुम्हें बता दो खंडव्या तो गाड़ी जा नहीं सकती, ये नीचे देखो इधर, यहाँ वो क्या बोलते इसको, रोड टूट रखी है, वो गैरसैंण के एक जगह पर काली माटी है वहाँ पर रोड टूट रखी है, कैसे जाओगे तुम। हद होती है यार, किसी चीज़ की हद होती है, मिलना ज़रूरी है क्या। अरे फोन तुम्हारे पास है, वीडियो कॉलिंग करो, बात कर लो, मतलब मिलना ज़रूरी है। ठीक है यार, ज़्यादा ज्ञान मत दे, समझ गया मैं तेरी बात, पर ये बता ये रोड कब टूटी, ये तो खतरनाक गधेरा आ रखा ऊपर से यार, ये रोड कब टूटी है बता मुझे पहले यार। पड़वाल जी तुम्हें पता ही है यार, चौमास का टाइम है, बारिश होती रहती है, ऊपर से गधेरा आया पूरी सड़क को ले गया, अब मैं भी क्या बोल सकता हूँ उसमें, ऊपर वाले की देन है भाई, कब तोड़ेगा कब वो करेगा। हिमाचल में कैसा हो रहा है आजकल देखा नहीं तुमने? सोचा था गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा पर क्या होगा। अबे बुढ़ो, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड, अब अगले साल मिलना जब धूप आएगी, बारिश में रास्ता टूट रखा है। अरे बुढ़ा नहीं हूँ रे मैं, किसने बोला तेरे को मैं बुढ़ा हूँ, बुढ़ा नहीं हूँ भाई। चलो ठीक है, बुढ़े नहीं हो भाई, नहीं हो बुढ़े। तो यार मैं आप लोगों को वो वाला क्लिप दिखाता हूँ जिसमें कि रोड टूट रखी है पूरा, पहले भी देख लिया हुआ आपने, फिर मैं आप पूरा दिखाऊंगा उसको। तो आजकल सभी से अनुरोध है यार कि उत्तराखंड में घूमने ना आए, क्योंकि रास्ता ख़राब है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बारिश ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आजकल उत्तराखंड में घूमने के लिए ना आए। तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाता हूँ। बादों का बस गली में ना अदन्या गदन्या बग दी गे ना, यक हमारे सड़क बोगी गे ले खाले अब कम सब क्या जीवे कोने तिका जाने ले खाले अब कम। देख सकते हो आप लोग सड़क कैसे बह गई, देखो गधेरा भी आर खतर तगड़ा वाला, तो देख सकते हो आप लोग। देखते हैं अभी, वो कोशिश करते हैं कि कोई हो जाए फिलहाल, कैंप जुगाड़ बन जाए कुछ अगर हो सके तो, मैं भी फोन ही कर रहा हूँ ना।
जो भी अगर अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है इससे तो मैं करवा रहा हूँ अभी। तो यार आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और ऐसे हाल हैं बरसात के टाइम पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बारिश होती है तो ऐसे होते रहते हैं, ऐसे घटना होती रहती है। तो मेरा सभी से निवेदन है यार कि आजकल बरसात के टाइम पर उत्तराखंड घूमने या टूरिस्ट पैलेस कहीं भी हो घूमने ना जाएं। अगर इमरजेंसी है तब तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, तब तो जा सकते हो, बाकी अगर घूमने के लिए आते हो तो कृपया ना आए। यार गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, दिनेश ने बुरी खबर दे दी, दिमाग खराब, मुंडी खराब। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा। तो यार जो ये वीडियो था वो कल का था और आज देख सकते हो बारिश लगी है। तो जो मडवाल जी का कैरेक्टर था वो मैं अभी बारिश के समय अंदर बैठा था तो कर रहा था, और जो धूप थी, धूप लगी थी कल, वो कल का वीडियो था। तो अभी देख सकते हो बारिश हो रही है इधर, उत्तराखंड का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। तो नदी दिखाता हूँ आप लोगों को, आज नदी ज़्यादा बढ़ गया देख सकते हो आप लोग।